आज हम गत्ते की जो पेटी होती है घर पे पड़ी होती है, हम राशन लेके आते हैं या मॉल में से कुछ भी सामान आता है, तो उसका एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, जिससे हमारा घर में कोई फालतू सामान पड़ा होता है या हमने कोई अलमारी वगैरह में अपने दुपट्टे वगैरह अलग रखने होते हैं, तो उसके लिए ये बचे हुए कपड़े होते हैं घर पे पीसेस हर एक के घर में पड़े होते हैं, तो उसका बहुत ही सुंदर उपयोग बताऊंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ये गत्ते की मैंने पेटी ले ली, थोड़ी मजबूत होनी चाहिए ताकि ये सालों साल चलता रहे हमारा अलमारी वगैरह में। तो एक ये स्क्वायर कपड़ा पड़ा था मेरे पास, तो उसको हमने इसके ऊपर ऐसे रख लेना है और इसको मार्किंग कर लेनी है, इसकी आउटलाइनिंग कर लेनी है हमने बॉक्स के चारों तरफ से, और स्क्वायर स्केल की मदद से इसको हमने सीधा करके निशान लगा लेना है इस तरह से। से मैंने ये मार्किंग कर ली है, एक बार आपको दोबारा दिखा देती हूँ। इस बॉक्स को हमने बीच में रखा, इसके चारों तरफ निशान लगाए और इस निशानों को हमने सीधा कर लेना है, और ये जो कॉर्नर बन चुके हैं इनकी हमने कटिंग करनी है, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, और ये तीसरा हो गया, ये चौथा कॉर्नर, तो इनकी हमने कटिंग कर लेनी है। से चारों कोनों की कटिंग हो चुकी है, तो अब ये कोने हैं इनको हमने इस तरह से अब आपस में ऐसे सिल लेना है, पूरे कोनों के इधर को इससे और इधर चारों कोनों को मतलब हमने सिल लेना है। हमने चारों कोनों से इस तरह से मिला लेना है, हमारा सिल चुका है। इसको हमने फालतू जो कपड़ा है इसको अंदर कर दिया है और इसको इसके ऊपर हमने कवर कर दिया, बिल्कुल ये नाप का इसका बन चुका है इक्वल, और फिटिंग से बन चुका है, दिखने में भी सुंदर लगेगा, अलमारी में रखेंगे हम तो। इसको हमने इस अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेना है, और जो ये पार्ट बचा है इसमें हमने ये गत्ते का जो पीस है इसके ऊपर भी इसी रंग का कपड़ा जो है इसके ऊपर कवर कर लेंगे, तो उसके बीच में हमने रख देना है, हमने नाप ले लेना है इस तरह से, और जो फालतू पीसेज है इधर की तरफ से इसको काट कर देना है। हुए कपड़े में ही मैंने इसको सी लिया है, इसको इसमें फिट कर देंगे। और इसको अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर लेना है इस तरह से, यहाँ पे भी हमने मशीन से एक सिलाई लगा देनी है, और फिनिशिंग के साथ ये हमारा जो नीचे का बॉटम पार्ट है वो बन जाएगा, यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो अब ये सिलाई चारों तरफ से मैंने ये लगा दी है, सिलाई से अब ये पक्का हो चुका है, अब इसको बॉक्स के बीच में हमने ऐसे रख देना है। तो बिल्कुल अब ये फिटिंग के साथ हमारा ये बॉक्स अच्छी तरह से बन चुका है, आप इसमें जो मर्जी अलमीरा में इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, कोई भी सामान हमने रखना हो तो इसको आप बाहर भी रख सकते हो, जब हमने कोई सामान रखता है रखना होता है बाहर भी, तो ये ऐसे ये बॉक्स रखा हुआ आप फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजर को इसको स्टडी टेबल के ऊपर बच्चों के रख सकते हैं, इसमें फालतू कागज़ वगैरह जो होते हैं या कोई फाइल्स होती हैं या कोई कॉपीज़ होती हैं वो भी हम रख सकते हैं, इसको हम किचन में रख सकते हैं, इसमें हमने जब हमने छोटे छोटे डिब्बियाँ होती हैं या फिर हमने कोई राशन का सामान होता है तो रखा हुआ बहुत ही सुंदर दिखता है। इस तरह से आप इस ऑर्गेनाइज़र को अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, गत्ते के डिब्बे से बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइज़र बन चुका है। तो अगर आप इसको अलमारी में रखेंगे तो इसकी जो लाइफ है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक जगह पे चीज़ टिकी रहती है अपनी जगह पे, तो इस तरह से आप इसको अलमारी में भी रख सकते हो, अपने दुपट्टे वगैरह आप इसमें डाल के रख सकते हो, कुर्तीज डाल के रख सकते हो, तो इस तरह से बहुत ये काम की चीज़ हमारी घर पे रेडी हो चुकी है, सिर्फ 10 या 15 मिनट लगते हैं, बस इसकी कटिंग सही होनी चाहिए तो सिलाई तो अपने आप सही आ जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।